नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। कलेक्टर ने सुना महिला का दर्द, शीघ्र निवारण करने का दिया आदेश। 5 वर्ष पूर्व बेटे और बहू की हत्या के बाद एक बुजुर्ग माता अपने बेटे के बच्चों के भरण पोषण का निवेदन लेकर जिला कलेक्टर अरविंद दुबे के पास पहुंची। उनका कहना यह था कि वे कई बार सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगा चुकी हैं, लेकिन इसके बावजूद भी उसकी कोई सहायता नहीं की जा रही है। रायसेन से करीबन 100 किलोमीटर दूर से आई बुजुर्ग महिला का कहना यह है कि उससे कहा जाता है कि अभी बजट नहीं है। उसकी पूरी बात सुनने के बाद जिला कलेक्टर अरविंद दुबे ने बाल विकास अधिकारी को आदेशित किया कि इस प्रकरण को शीघ्र निपटाया जाए, जिससे कि बुजुर्ग महिला अब परेशान ना हो। इंडिया न्यूज 28 के लिए ब्यूरो चीफ राकेश जैन की रिपोर्ट। क्यों आई हो आज कलेक्टर साहब के दर? हाँ, खर्चा नहीं मिले 3 साल के कागज आए। किस बात के पैसे मांग रही हैं आप? ये बॉम्बे तारी नहीं है, इनके 4,000 महीना। कितने साल पहले माता पिता खत्म हो गए? 5 साल हो गए। तब से आप आवेदन देने आ रही हैं? कौन से विभाग में आती हो? हफ्ते ग्राम पंचायत है और गेलहान हमारा। यहाँ कहाँ आती है? तो कौन से विभाग में आई थी? आए थे, मैंने सुना नहीं। क्या कह रहा है यहाँ? बजट नहीं है। महिला वाले कहते हैं बजट नहीं, कम से कम 50 दाना। हर बार यही कहते हैं? तीन साल। आज कलेक्टर साहब क्या आई है? क्या नाम है आपका? मेरा बिन्या नाम। बच्चों के क्या नाम है? जाफर राम नाम है, जाफर। कितने कितने साल के हैं? जो 10 साल के, जो 7 साल के।